ट्रांसफार्मर चोरी की अलग अलग वारदातों को अंजाम देने वाले गैंग के चार आरोपियों को करनाल पुलिस की डिटेक्टिव स्टाम्प की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। जी हां, आरोपियों द्वारा थाना इंद्री व कुंजपुरा केरिया में लगातार 187 वारदातों को अंजाम देने बारे बड़ा खुलासा हुआ और आरोपियों के कब्जे से 250 किलोग्राम तांबा, लोहा, कॉइल, एक देसी पिस्तौल व वारदात में इस्तेमाल होने वाली 3 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई है। पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह की शिकायतें जो है पुलिस को प्राप्त हो रही थी, इस पर जो है अंकुश लगाने के लिए करनाल एसपी गंगाराम पुनिया ने निरीक्षक हरजिंदर सिंह के नेतृत्व में कार्यरत डिटेक्टिव स्टाफ की टीम को यह जिम्मेदारी सौंपी। इन वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्यवाही करते हुए टीमों ने जो है 18 जून को एक गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनका नाम बिलाल, ताहिर, वसीम, अमजद जो है बताया जा रहा है। चारों का नाम अभी भी जो है 5 बताया जा रहा है, मौके से फरार चल रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है काफी बड़ी जो इन लोगों की टीम है 187 वारदातों को ये अब तक अंजाम दे चुके हैं। 18 जून की रात को भी थाना इंद्री के गांव अंशु माजरा के एरिया में जो है ये वारदात को अंजाम देते, जहां से इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया और 19 जून को पेशी अदालत कर अब जो ये लोग हैं, ये व्यक्ति हैं, ये आरोपी हैं, अलग अलग मामलों में फिलहाल रिमांड पर चल रहे हैं। दौरान रिमांड इनसे खुलासा भी हुआ है और पूछताछ अन्य साक्ष्य भी जो है जरूर जुटाए जाएंगे कि आरोपी किस तरह से पूरी वारदात को अंजाम देते थे। पहले दिन के समय जो है मोटरसाइकिलों पर सवार होकर रेकी करते थे और ट्रांसफार्मर और कॉइल को चिन्हित करते थे, उसके बाद उसी रात जो है वहां पर आकर अवैध असले के साथ आते थे और खंबे से ट्रांसफार्मर को नीचे गिराकर उसमें से तांबा, कॉइल व लोहे की पत्तियों को कट्टों में भरकर मोटरसाइकिलों पर रख मौके से फरार हो जाते थे। अब जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी हमेशा इन वारदातों को रात 11 बजे से 3 बजे के दौरान जो है अंजाम देते थे और आरोपी ट्रांसफार्मर चोरी करने के बाद अपने अपने ठिकानों पर पहुंच जाते थे। आरोपी चोरी करने के बाद हमेशा अपने ठिकाने बदलते रहते थे, जिसके बाद आरोपी तांबा कॉइल को सस्ते भाव में किसी कबाड़ी व बेचकर उनसे रुपए लेते थे और नशा करते थे, अय्याशी करते थे व घर का खर्च चलाते थे। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपियों ने इन वारदात को अक्टूबर 2021 से जून 2022 के दौरान जो है अंजाम दिया है। जो पूरी 187 वारदातें हैं ये 2021 अक्टूबर से लेकर जून 2022 के दौरान इन्होंने अंजाम दिया। आरोपियों से खुलासा हुआ कि आरोपियों की 9 सदस्यों की गैंग है, जिसमें से 4 पकड़ लिए गए हैं, 5 फिलहाल फरार हैं। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी भी जो बताया जा रहा है जल्द की जाएगी। जांच में ये भी सामने आया कि आरोपियों के परिवार के सदस्य भी इन वारदातों में जो है शामिल रहा करते थे और वो भी कई बार जेल की सजा काट चुके हैं। डिटेक्टिव स्टाम्प की टीम ने 2022 में भी ट्रांसफार्मर चोरी करने के गैंग को गिरफ्तार किया था, जिसने 338 वारदातों को अंजाम देने बारे खुलासा हुआ था। इस गैंग के सदस्यों भी आरोपियों की पहचान के थे। जी हाँ, उस गैंग के सदस्य भी इस गैंग के सदस्य जो बताया जा रहे हैं, इनकी आपस में जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे को जानते हैं। तो आरोपी के कब्जे से फिर से एक बार बता दूं कि 250 किलोग्राम तांबा, कॉइल, लोहा, पत्ती, एक देसी पिस्टल जिसे देसी कट्टा कहा जाता है और वारदात में इस्तेमाल होने वाली 3 मोटरसाइकिलें पकड़ ली गई और ये इंद्री और कुंजपुरा थाना एरिया में जो है सभी वारदातों को अंजाम दिया करते थे। कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी हासिल हुई, क्योंकि अक्सर इस तरह से ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाएं लगातार सामने आती थी। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं डिटेक्टिव स्टाफ करनाल से, जहां से आपसे अपील रहेगी कि अगर भी आपके आसपास भी इस तरह की वारदात को अंजाम कोई देता है या फिर ट्रांसफार्मर चोरी होता है तो चौकन्ने जरूर हो जाएं, क्योंकि साफ तौर पर बताया गया कि 11 बजे से 3 बजे के बीच में ये इस तरह की वारदातों को अंजाम देते थे और उन पैसों से नशा भी किया करते थे। आपसे अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर भी करें। मैं आरती राणा से योगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद। देखिए, जैसा कि आपको पहले से विदित है कि पिछले कुछ समय से इंद्री एरिया में ट्रांसफार्मर की वारदातें बहुत अधिक बढ़ गई थी, जिन्हें संज्ञान में लेते हुए एसपी साहब ने हमें एक स्पेशल ये ड्यूटी लगाकर हमें उस एरिया में भेजा था, जो कि हमारी टीम में वर्किंग करते हुए 18 जून रात को हमारी टीम ने एक बाइक पर सस्पेक्टेड पल्सर बाइक पर 3 लड़कों को पकड़ा था, जिनके पास से तांबा और तार और ट्रांसफार्मर का कुछ सामान बरामद हुआ था, जिससे हमारी टीम ने लगातार उसके बाद इनको रिमांड पर ले रही और 6 मुकदमों में हमने इनको गिरफ्तार किया है। इसके अलावा इन्होंने जो दौराने रिमांड टोटल वारदातों कबूल की 187 वारदातें कबूल की है और उन वारदातों का जो सामान था ट्रांसफार्मर का तांबा वगैरह करीब 250 किलोग्राम तांबा इन्होंने बरामद करवाया और उसके अलावा इनसे एक देसी कट्टा और 3 बाइक बरामद हुई है। किस तरह से वारदात ये सुबह बाइक पर एरिया में आते थे, रैकी करते थे खेतों में, कहाँ पर ट्रांसफार्मर है, कौन सा रास्ता उसे जाता है, सुबह रैकी कर कर अपना टारगेट तैयार करते थे। रात को करीब जब सोने का टाइम हो जाता 9-10 बजे ये अपनी अपने टीम को लेकर अपनी बाइक कहीं दूर खड़ी करके बाइक के और बिना वहां जाते थे और उसके अलावा ये जहां वारदात करते थे अपने साथ एक आदमी को साथ वेपन दे के भी खड़ा करते थे, कोई ऐसी दिक्कत होगी तो वेपन यूज़ कर भी करते थे। कहां से सर ये करते थे? करनाल से आपने कहीं
ये मोस्टली इंद्री का एरिया है, इंद्री एरिया लाडवा, इंद्री एरिया सॉरी बबैन एरिया के भी है, और इसके अलावा कुंजपुरा, दो एरिया के हमारे वाले। इनकी फैमिली की क्राइम हिस्ट्री है, जो इनके किसी का भाई किसी का फादर पहले इनके TF ट्रांसफार्मर थेफ्ट में ही पहले अरेस्टेड है या वांटेड है, और ये उनके पारिवारिक सदस्य है। अभी कितने लोगों को सर पकड़ा गया? अभी 187 वारदात जो ना अभी तक कबूल की है, अभी आगे भी इनको रिमांड लिया जाएगा, बाकियों में अरेस्ट की जाएगी, अगर और भी कुछ निकलता तो इनका सामने। अभी 4 लड़कों को अरेस्ट कर लिया गया है, जो अभी 5 बाकी है, टोटल 9 सदस्य हैं इस गैंग के। ये रहने वाले 2, इनमें से 3 जो फर्स्ट डे करे हैं वे जठलाना में है, मोड़ा है, मोड़ा एरिया पड़ता है जठलाना थाने के अंडर यमुनानगर के पास, और उसके अलावा 1 दौलतपुर यूपी का है, जो कि ये मोस्टली सभी यूपी से बिलोंग करते हैं, सहारनपुर एरिया, दौलतपुर और ये एरिया, तीन एरिया। क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया आज, अभी रिमांड इनका 18 तारीख से लगातार रिमांड पे चल रहे हैं, आज भी इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, आगे भी रिमांड लेके बाकी जो वारदात है सभी में अरेस्ट किया जाएगा।